नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। उन्नाव रेप पीड़िता कल देर रात अपनी जिंदगी की जंग हार गई। सफदरजंग अस्पताल में रात 11:40 पर पीड़िता ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि कल रात 11:10 पर उसको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 11:40 पर उसने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, पीड़िता का रेप हुआ था और इस मामले की सुनवाई के लिए जब वह रायबरेली की अदालत में जा रही थी तो उसे 5 आरोपियों ने जिंदा जला दिया था। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि बीती रात को पीड़िता के कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरी बहन मुझसे सिर्फ इतना कह सकी कि वह जीना चाहती है और दोषियों को फांसी पर लटकते देखना चाहती है। यह राज्य की असफलता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फांसी पर लटकाए जाते हैं, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देर रात निधन हो गया। सफदरजंग अस्पताल के प्रवक्ता ने उन्नाव रेप पीड़िता के निधन की पुष्टि की है। पीड़िता की मौत के बाद लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश और ज्यादा भड़क गया। सपा और कांग्रेस ने लखनऊ में इसे लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी उबाल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिजनों ने प्रियंका गांधी को बताया कि एक साल में आरोपियों ने उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया। पीड़िता के पिता ने प्रियंका गांधी को आपबीती बताई और कहा कि एक साल में परिवार पर अत्याचार किया गया, परिवार को धमकाया गया और परिवार की बच्ची को स्कूल न भेजने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, परिजनों ने उन्हें बताया कि आरोपियों ने घर में घुसकर रेप पीड़िता के पिता से मारपीट भी की थी। बीते एक साल से पीड़िता और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था। मैंने यह भी सुना है कि दोषियों का बीजेपी से संबंध है। राज्य में अपराधियों में कोई डर नहीं बचा है। कांग्रेस महासचिव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राज्य में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठे। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश हैदराबाद की घटना को लेकर गुस्से में था, खासकर बहनें और माताएं, और उसके बाद उन्नाव की घटना उसी तरह से हुई। उन्नाव की घटना बीजेपी सरकार में पहली नहीं है। जो बेटी के साथ हुआ वह बहादुर थी, उसकी आखिरी शब्द थे वह जिंदा रहना चाहती थी। सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। हमारे लिए यह काला दिवस है। एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हम उसे न्याय नहीं दे पाए। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से खासकर बीजेपी सरकार के दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। यूपी में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई केस ना हो। जब तक राज्य सरकार समय तय कर एक्शन लेना नहीं शुरू करेगी, ऐसी घटनाएं थमने वाली नहीं है। इसके साथ ही उमा भारती ने भी इस घटना पर दुख जताया, कहा ऐसी कार्यवाही हो कि लोग भय से कांप उठे। उन्नाव बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण के सभी 5 आरोपियों को शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विराट सक्सेना की अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तेलंगाना मुठभेड़ के खिलाफ दायर एक याचिका में अदालत से इस मामले में एसआईटी गठित करने और इसकी निगरानी करने की मांग की गई है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की टीम मुठभेड़ स्थल पर दौरा करने हैदराबाद पहुंची है। तेलंगाना मुठभेड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की गई है। इसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR और जाँच की मांग की गई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो ने बेहतरीन शुरुआत की है। फिल्म ने पहले ही दिन 9.10 करोड़ की कमाई की है। पर्दे पर पानीपत से टक्कर होते हुए भी फिल्म ने शानदार कमाई की है। इसी के साथ ये फिल्म कार्तिक आर्यन की करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इससे पहले फिल्म लुका छुपी के नाम ये रिकॉर्ड था। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म प्यार का पंचनामा से की थी, जो कि 2011 में आई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।